खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक घटना हो या दुर्घटना, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, बातें होगी आपके शहर की, उत्तर प्रदेश की हर खबर से यूपी जंक्शन पर। मुंह पर थूकने के प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारियों ने दिया धरना। बीते रोज ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर कुछ दबंगों ने एडीओ पंचायत बिलासपुर के कार्यालय में घुसकर मारपीट की और उसके मुंह पर थूका, तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी, साथ ही गाली गलौज की। दबंग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते थे, जबकि ग्राम विकास अधिकारी राजीव कुमार का आरोप है कि दबंग फर्जी तौर से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते थे। इसका विरोध करने पर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। दबंगों में पूर्व प्रधान उस्मान खान, अफसान खान, सब्बू और आलमगिरी शामिल हैं। आज जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारी अम्बेडकर पार्क परिसर में जमा हुए और पुलिस पर मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए दबाव बनाया। हमारे एक साथी हैं राजीव कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जो विकासखंड बिलासपुर में तैनात है। उनके साथ कल किसी ग्राम पंचायत के व्यक्तियों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात कही गई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र जो है संबंधित क्षेत्र के नहीं था, वो किसी और क्षेत्र में उनकी डेथ हुई थी। उसका नियम यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जहाँ डेथ होती है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र का संबंधित कर्मचारी उसको बनाता है। क्योंकि इनके क्षेत्र में वो डेथ नहीं हुई थी तो इनका बनाने का कोई अधिकार वहाँ नहीं है, लेकिन उनको बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, उन्हें बनाने के लिए मना किया। उनके मना करने पर जो आवेदनकर्ता आए थे मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, गाली गलौज की है और इनके कागजात सब फाड़ दिए, इनके भी ले गए और जो अभिलेख इनके पास थे वो सब छीन के लिए। नहीं, ये तो कल की घटना है, आज आप क्यों जमा हुए हैं? आज हम इनके साथ जमा हुए हैं कि जो हमारे साथी के साथ घटना घटी है दोबारा ऐसी घटना नहीं हो और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको जेल में जाना चाहिए। आपके बैठने का मकसद क्या है? काम तो हो ही रहा है। नहीं, काम कोई नहीं रहा, हमारा सारे जनपद यही है, सारे साथी जितने भी हैं। एक आरोपी पकड़ा भी गया है, तीन अभी तीन है, तो कल की घटना है, अभी तीन आरोपी आज का मतलब जमा होने का क्या मकसद है? जो मुख्य आरोपी है उसमें वो भी बाहर है, वो नहीं पकड़ा गया है। अच्छा,